गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा किया था? हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित जो बाधिता होती है जिसमें बच्चों को कम दिखाई देता या जिनको दिखाई नहीं देता, इम्पेयरमेंट। ठीक है बेटा, दृष्टि बाधिता। तो इसमें आप लोगों को वैसे अगर हम बात करते हैं जो हमारी आँख है वो भी जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा आइज। ठीक है, अगर हम देख नहीं सकेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी हमें। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, हम आँखों के द्वारा ही किसी दूसरे के बारे में हम बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, सुंदर है, नॉर्मल है, चीज़ें कितनी सुंदर, ये जो सुंदरता है, ये नेचर जो हमारा है, हमारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो नेचर है हम किसके द्वारा देखते हैं? आँखों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो ज्ञानेंद्रिय हैं आइज है। ठीक है, और इसमें क्या है, मनुष्य अपनी आँखों के द्वारा ही सभी प्रकार की चीज़ों को देखता है। ठीक है, उसी से ही वो अंदाज़ा लगाता है कि ये चीज़ें कैसी हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हम क्या हैं कि जितना मतलब वैसे तो हमारी सुनकर देख कानों में सुनाई देकर हमारा त्वचा के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं, लेकिन आँख भी उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है जो क्या है, हमें प्रॉपर वे से नॉलेज देती है। ठीक है, तो जो नॉलेज हमें सुनकर व पढ़कर नहीं होती वो देखकर ली जा सकती है, देखने से हमें बहुत क्लियर पता चलता है। ठीक है, एक चीज़ रियल में देखना और एक चीज़ सुनकर और पढ़कर, उसमें देखने में बहुत फ़र्क है। ठीक है बेटा, तो वो जब सब चीज़ें हम देख कैसे सकते हैं, आँख के द्वारा, आइस के द्वारा। तो जो देख नहीं सकते उनके लिए हम अगर कहें तो ये संसार क्या है, एक अंधकार में डूबा हुआ है। ठीक है, जो इंसान जो बालक देख नहीं सकते, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें मतलब भगवान को इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाए भी हैं कि उन बच्चों को कई चीज़ें ऐसी मतलब विकसित की हैं कि उनको दिखाई दे। ठीक है बेटा, तो जिनको कई बार क्या होता है थोड़ा कम दिखाई देता है, उनके लिए स्पेक भी यूज़ करते हैं बच्चे, लेंस भी यूज़ करते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उनके लिए लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इन बच्चों को बहुत ही हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अब जो बच्चा बिल्कुल ही ब्लाइंड है उसको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इधर से उधर जाने में। अब हम घर में कितने काम होते हैं, हमें नहाने जाना है, वॉशरूम जाना है, सोने के लिए बेड पे जाना है, कई बार क्या होता है हमें इधर उधर टहलना होता है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है बेटा, लेकिन आजकल हमारी क्या है, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, ऐसी चीज़ें कि जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं कई, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते उनके लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देश विदेश अपने आसपास की चीज़ें, ये सब चीज़ें आँखों के द्वारा ही देखी जाती है। तो ये ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होगा, आँखों के द्वारा देखकर। बालक के जो दृष्टि दोष के कारण उनमें दोष, जो दृष्टि का दोष है, तो उसके कारण और भी दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, तो वो भी जो बालक है उन चीज़ों का शिकार वो हो जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि एक दोष के कारण, एक इम्पेयरमेंट के कारण दूसरी सब चीज़ों में भी उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके बाद हम कहेंगे कि जो हमारा दृष्टि दोष है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसमें वे बालक आते हैं जो नंगी आँखों से नज़दीक या दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। ठीक है बेटा, उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, किसकी सहायता से देख सकते हैं, अगर जिनके आँखों की दृष्टि थोड़ी कम दिखाई देता है, ऐनक से, लेंस से। ठीक है, तो वो इनसे द्वारा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इनमें से कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो मोटे बड़े बिग अक्षर होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी बनी हुई किताबों को
पढ़ सकते हैं, जो छोटे अक्षर वाली किताबों को नहीं पढ़ सकते, ठीक है बेटा, क्योंकि उनकी दृष्टि में दोष है। दोष का कारण कि उनको दिखाई कम देता है, उनको पास की, किसी की पास की नज़र कमज़ोर है, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है, तो ये सब चीज़ें क्या है, दृष्टि रोग के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, जिनको थोड़ा दिखाई देता है, जो चश्मे के द्वारा, स्पेक के द्वारा या लेंस के द्वारा देख सकते हैं, इन बच्चों को आंशिक रूप से दृष्टि दोष वाले बालक कहा जाता है। और कई बार क्या होता है, बिल्कुल ही अंधे, ब्लाइंड होते हैं, कई बार वो जन्म से भी होते हैं, ठीक है, बाद में भी किसी दुर्घटना, किसी बीमारी, चोट लगने के कारण उसके बाद भी वो ये सब चीज़ें हो सकती है। देखिए कई बार बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें किसी की आंख चली जाती है, किसी की सुनने की शक्ति, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वक्त टाइम मतलब पता नहीं चलता कि कब घटित हो जाती हैं। तो इसलिए ये सब जो बालक आते हैं जो नहीं देख पाते हैं, वो देखने में असमर्थ होते हैं, तो इस प्रकार वो ब्लाइंड कहलाते हैं बालक, जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसके बाद आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइटर्स के अकॉर्डिंग जो आप देना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि अगर हम जो ये डेफिनेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बताएं कि जो हमारा नॉर्मल बालक होता है, नॉर्मल बच्चा है, उसके लिए किसी वस्तु को 200 फुट की दूरी जो होती है उससे वह उस वस्तु को साफ देख सकता है 200 फुट की दूरी से, लेकिन जिसमें दृष्टि दोष है वो उस दूरी से किसी वस्तु को क्लियर नहीं देख सकता, ठीक है। वो कौन सी दूरी से क्लियर देख सकता है, दूर की वस्तु को 20 फुट की दूरी से, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या कहा है, जो हमारे उन बच्चों को हम उसे दृष्टि दोष बालक कहेंगे कि उनकी दृष्टि में दोष है। जो हमारा दृष्टि दोष का ये परीक्षण है, ये किसने किया था, स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। स्नेलन चार्ट है, अपनी बुक्स में देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस चार्ट का विकास किसने किया था, डच डॉक्टर हर्बर्ट स्नेलन ने, ठीक है। इस चार्ट का प्रयोग उन्होंने दूरदृष्टि दोष को मापने के लिए किया था। इसके अकॉर्डिंग इस चार्ट में क्या होता है, सबसे पहला अक्षर ई लिखा होता है, ई, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। तो जो नॉर्मल बच्चा होता है उन अक्षरों को दूर से 200 फुट की दूरी से सही ढंग से पढ़ लेता है, लेकिन जो दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं वो सिर्फ 20 फुट की दूरी से ही उन्हें सही ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या है, उनकी दृष्टि में दोष पाया जाता है, तभी हमें पता चलता है कि इन बच्चों को कम दिखाई देता है, ओके। उसके बाद हम बताएंगे कि इनको कितनी श्रेणियों में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो है पार्शियली ब्लाइंड, आपके जो आंशिक अंधे होते हैं, एक होते हैं पूरी तरह से ब्लाइंड, जो अंधे होते हैं, ठीक है, एक थोड़े हो गए हैं और एक पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं, उनका क्या होता है, दृष्टि दोष होता है, जिनको दूर की वस्तुओं के सही नज़र नहीं आती, तो दूर की वस्तुओं के यंत्रों को सही देखने के लिए यूज़ किया जाता है, उन वस्तुओं को दृष्टि यंत्रों की सहायता से वो देख सकते हैं, ठीक है, वैसे उन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ये विजुअल इक्वलिटी है जो, तो क्या होता है, इनको जितना नॉर्मल बच्चों को नज़र आता है दूर से, इनको इतना दूर से क्लियर नहीं नज़र आता, ठीक है, तो ये पास से ही क्लियर देख सकते हैं। और क्या है, ऐसे बच्चों का जो दृष्टि दोष होता है जिसमें, वो बालक क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, जो सामान्य मस्तिष्क वाले बालक भी होते हैं, लेकिन ऐसे बालक जो नॉर्मल बालक की तरह भी होते हैं, उनको कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स की जो उसके अकॉर्डिंग कम देखने वाले बच्चों को साधनों को जो सीमित यूज़ करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हो जाती है प्रॉब्लम्स की, ये नॉर्मल बच्चों की तरह दिखते तो हैं लेकिन इनको डॉक्टर्स से कई बार क्या करने लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर से बार बार मिलना पड़ता है अपनी जो इनकी दृष्टि दोष के कारण
ठीक है बेटा। तो दृष्टि दोष क्या है? एक बहुत ही हमारे सामने ऐसी इम्पेयरमेंट है कि जिस बच्चों की आँखें बिल्कुल ही ब्लाइंड है, उनको उनके लिए बहुत ही दिक्कत आती है। देखिए, जब हमें हल्का दिखाई देता है उसके लिए फिर भी हम थोड़ा स्पेक्स से या आप लेंस से देख सकते हैं, और इसके लिए और भी यंत्र होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन जो बिल्कुल ही अंधे होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक हमारा प्रोग्राम आता है सोनी से, सोनी मैक्स से कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक लड़की, ठीक है बेटा, 1 करोड़ जीत कर गई। दृष्टिहीन थी वो, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्ची थी, उसने 1 करोड़ रुपया जीता है और उसके साथ एक गाड़ी भी जीती है। तो इतना दोष होने के कारण उसने 1 करोड़ रुपया जीता अपनी नॉलेज के दम पर, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर दोष है। हमें उस दोष को, ठीक है, एक अलग से, मतलब हम ठीक है, हमें नहीं अगर दिखाई देता तो उस दोष के साथ साथ हमें जीवन में तरक्की भी करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। और उसके बाद है एक सेकंड हमारा ब्लाइंड। अभी हमने किया था जो थोड़े होते हैं, लेकिन अब सेकंड पॉइंट है हमारा जो प्रॉपर वे से ब्लाइंड होते हैं। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, जन्म से ही कई बार क्या होते हैं, अंधे होते हैं, या किसी दुर्घटना, चोट लगने के कारण, किसी बीमारी के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इनको जो दूसरी ज्ञान इंद्रिय है उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमें सुनकर भी हमें पता चल जाता है कि कौन है, किसकी आवाज़ आ रही है, कौन हमारे सामने खड़ा है, ठीक है। तो ये दूसरी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद क्या है, जो क्यूजेज हैं, इसके कारण है। कारण देखिए, अभी हमने जस्ट बात करी थी, कोई भी हो सकता है, हेरिडिटी इफेक्ट्स भी हो सकता है। इसमें क्या है, बड़ों पर कई बार क्या होता है, बच्चों पर बड़ों का प्रभाव पड़ता है। तो कई बार देखा जाता है कि माँ बाप दृष्टिहीन होते हैं तो बच्चे भी दृष्टिहीन ही पैदा होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कोई इन्फेक्शन डिसीजेज, कोई भी कई बार क्या होता है, रोग, संक्रामक रोग के कारण भी ऐसा हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए वो भी एक दृष्टि दोष का कारण बन जाता है, कोई भी डिसीज़। नेक्स्ट है कॉमन डिसीज़, कोई भी नॉर्मल साधारण बीमारी के कारण भी कई बार क्या हो जाता है, ऐसा दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। शुगर वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अगर हम मतलब देखें तो शुगर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मोस्टली, अगर वो जिनको शुगर ज़्यादा है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, वो दृष्टिहीन हो सकते हैं। तो इसलिए जो शुगर वाले व्यक्ति को प्राय अगर हम नॉर्मल और रोगों से देखते हैं तो इसमें दृष्टिहीन ज़्यादा होने का कारण होता है। नेक्स्ट है कोई इंजरी या एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, कोई भी दुर्घटना हो या चोट लगे, इस तरह से लग जाती है। मान लीजिए कोई गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का बाइक भी हो जाता है, कैसे भी, कोई चलते चलते भी कोई मार जाता है उसके कोई व्हीकल, तो उससे क्या होता है, हमारे किसी भी ज्ञान इंद्रिय पर इफेक्ट या चोट लगने के कारण हम अंधे हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्यूजेज है, ठीक है। और क्या है, कई बार डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, जन्म के पश्चात कई बार फिर भी ऐसे कुछ हमारे सामने सिचुएशन हो जाती है कि उससे भी बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। तो ये सब क्या थे, इसके क्यूजेस। अब क्या है कि इन बच्चों की हम हेल्प कैसे करेंगे, देखिए इनके पास जो दूरदृष्टि दोष है उसकी अब हमें क्या करना है, इनके बच्चों के लिए हेल्प भी करनी है ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ सके। जो देखिए कम दृष्टिहीन बच्चे होते हैं उनको तो हम क्या करते हैं, क्लास में जैसे मान लीजिए थोड़ा स्पेक लगा के आगे बिठा दिया इन बच्चों को, ठीक है, लेंस लगवा लेते हैं ये बच्चे, तो इनको क्या होता है, हम नॉर्मल बच्चों की तरह क्लास में बिठा सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हम इनको दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड होते हैं वो क्या है, स्पेशल स्कूल में ही उन्हें पढ़ाया जाता है और वहाँ पर ही इनका पढ़ना बेटर होता है। तो वैसे अगर हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन कि इन बच्चों के लिए जो कम थोड़े से ब्लाइंड होते हैं, इनके लिए एजुकेशन की कैसे ज़रूरत होती है, किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए, अब हम वो बात करते हैं। सबसे पहले हैं बुक्स, इनके लिए जो किताबें हैं
वो थोड़ा मोटे अक्षरों में छपी होनी चाहिए। अब नॉर्मल क्या होते हैं, थोड़े छोटे वर्ड्स होते हैं जो हम नॉर्मल बुक्स देखते हैं, लेकिन इनके लिए ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिसमें अक्षर बड़े बड़े हों, ताकि इन बच्चों को साफ दिखाई दे कि वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर वर्ड्स नज़र आएँ। ठीक है बेटा, रोशनी। और जो ये इनके लिए क्लास की जो व्यवस्था होती है, घर में भी, क्लास में भी, स्कूल में, कॉलेजेस में, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि रोशनी आनी चाहिए ऊपर से। ठीक है, अब हमारे क्लासरूम्स होते हैं इस तरह बने होने चाहिए कि वहाँ पर सूर्य की किरणें, रोशनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इनको क्या है, रोशनी में सही ढंग से दिखाई देता है, तो रोशनी भी इनके लिए क्या वह है, वरदान है। और हमारी जो छतें हैं वो कैसी होनी चाहिए, वाइट कलर की। देखिए, छत सफ़ेद रंग की और दीवारें हल्के रंग की होनी चाहिए, ये भी हमारे क्या करती है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है रोशनी में। अगर ये हल्की चीज़ें, दीवारें हल्के रंग की हैं, तो इसकी हमारी रोशनी क्लियर आती है, नीट एंड क्लियर। ठीक है बेटा, और फर्नीचर कैसा होना चाहिए इनके लिए, हल्का होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इधर से उधर ले जाने के लिए इनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए इनका फर्नीचर हल्का भी होना चाहिए और हल्के रंग का भी होना चाहिए, ताकि इनको इधर उधर ले जाने में और बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और फर्नीचर इस तरह से इनको रखना चाहिए कि बच्चे को आने जाने में, क्लास में एंटर करने में, क्लास से बाहर जाने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो बच्चे आसानी से आ जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। तो देखिए, ऐसा पॉइंट है को सभी में आता है कि मोटिवेशन सही ढंग से इन बच्चों को मिलना चाहिए जो थोड़े कम ब्लाइंड हैं। इन बच्चों को क्या है, बालकों को हमें प्रेरणा से युक्त कहानियाँ, स्टोरीज़ वगैरह इस तरह से सुनानी चाहिए, इनको प्रेरित करना चाहिए कि क्या है, कि ये बच्चे अपने आप को हीन महसूस ना करें। जैसे मान लीजिए, बहुत सारी ऐसे स्टोरीज है, एक श्रवण, आपने श्रवण सुना था, श्रवण अपने माता पिता को कैसे लेता, उसके माता पिता क्या थे, अपने माता पिता को अंधा होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा की उसने। ठीक है, तो वो भी एक हमारे लिए प्रेरणादायक कहानी है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिससे बच्चों को बहुत सीख मिलती है। नेक्स्ट क्या है, इनका फिजिकल चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए, ताकि इनका जो नंबर है वो बढ़ ना जाए। ठीक है बेटा, इनको खाने के लिए, इनको स्कूल्स में जैसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है, आजकल आपने देखा होगा कि स्कूल्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं खाने पीने की भी बच्चे की, और घर में भी फैमिली के द्वारा, इनके पेरेंट्स के द्वारा इनका सही ध्यान रखा जाना चाहिए, और इनको सही वोकेशनल गाइडेंस भी दिया जाना चाहिए। वोकेशनल गाइडेंस सही ढंग से दिया जाएगा तो ये बच्चे क्या हैं, कल को अपना व्यवसाय, अपने रोजगार में कामयाब हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं बेटा, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, ताकि बच्चे क्या हों, आगे बढ़ सकें और दृष्टि दोष इनका आगे बढ़ने में ये कारण ना बन सके। ठीक है, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद है, अगर हम करते हैं कि बच्चों के लिए, कि बच्चों को और बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए जिन बच्चों को दृष्टि पूरी तरह से असमर्थ है देखने में। ठीक है, तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए, जो लार्ज प्रिंट, जो बच्चे थोड़े कम ब्लाइंड हैं या जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, इनके लिए भी नई नई टेक्निक का यूज़ होना चाहिए, ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ सकें और जो भी इनकी दिक्कतें आती हैं उनको दूर किया जा सके। देखिए, जो हमारा लार्ज प्रिंट मटेरियल होता है वो सबसे बेस्ट है। लार्ज प्रिंट मटेरियल में अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, जो थोड़े कम, मैंने अभी बताया था आपको, कम दृष्टि वाले जो थोड़ा कम देख सकते हैं उनके लिए ये बेस्ट है बुक्स। ठीक है बेटा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसे पुस्तकों में जो अक्षर होते हैं वो मोटे टाइप होने चाहिए। सेकंड है ब्रेल लिपि का प्रयोग। आप सभी को पता है कि जो इन ये ब्लाइंड बच्चे होते हैं, इनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। इस लिपि के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें जो हमारे करैक्टर्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, उससे बच्चों को क्या पहचान हो जाती है कि कौन सा करैक्टर क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बच्चे नियमित प्रिंट सामग्री का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, वो इस लिपि के द्वारा क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें क्या होता है, अंधों के पढ़ने और लिखने की क्या होती है, एक तरह से ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रणाली है। इसमें क्या है, 26 डॉट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स। ठीक है, इन अल्फाबेट्स में बाकी जो 33 होते हैं वो आपके साइंस होते हैं। तो इनके द्वारा क्या होते हैं,
शॉर्ट हैंड एक प्रणाली है जो हमारी शॉर्ट हैंड प्रणाली, इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को स्पेलिंग्स की जो थोड़ा सा अक्षर उभरे होने के कारण उनको नॉलेज हो जाती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स किस तरह का होता है, उससे बच्चे अल्फ़ाबेट्स की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा ये भाषा की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब पर, प्राइवेट जॉब पर कार्यरत होते हैं, ठीक है। तो स्टडी कंप्लीट करेंगे तभी होंगे, तो वो भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इन बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए और इनको इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि अपने आप को हीन ना महसूस करें, ठीक है बेटा। और क्या होना चाहिए इनके लिए, टेप रिकॉर्डर भी इनके लिए बहुत ही सही व्यवस्था है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी हाई लेवल की स्टडी होती है हाई एजुकेशन की, उसमें पाठ्य पुस्तकों से जो हमारी ये अध्यापक होते हैं वो टेप करके इन ब्लाइंड बच्चों को सुना सकते हैं। जो भी करिकुलम होता है, जो भी टॉपिक होता है, वो टेप करके इन बच्चों को बताते हैं और बच्चे उनको क्या है, सुनते हैं। वो टेप रिकॉर्डर की सहायता से क्या होता है, उसको गेन करते हैं, तो वो समझते हैं। इसमें भाषा भी हो सकती है आपका, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट का वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो दृष्टि वाले बच्चे होते हैं वो अंधे बच्चों की अपेक्षा कई बार क्या होता है, आगे भी होते हैं उनसे। तो इसलिए इन बच्चों को कि उनके बराबर लाने के लिए, उनके मतलब इक्वल करने के लिए इनको फैसिलिटी दी जानी चाहिए इस तरह की। जैसे अब हमने टेप रिकॉर्डर की बात करी है, जो दृष्टि वाले बालक हैं उनमें क्या है, प्राकृतिक ढंग से उनकी जो मतलब नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उनके लिए फैसिलिटी दी जानी चाहिए और टुकड़ों में, पार्ट्स में उनको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एक ही बार में, जैसे कई बार क्या होता है एक टॉपिक कंप्लीट करवाना हो लेकिन उनको पार्ट्स, पॉइंट टू पॉइंट और पार्ट्स में उनको टॉपिक करवाना चाहिए, ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। और इस तरह से क्या है, वो पूर्ण रूप से जो भी आपका करिकुलम है, सिलेबस है, उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और क्या है, मैग्नीफाइंग शीशा, एक हमारा मैग्नीफायर होता है, उसमें क्या होता है कि जो थोड़े आंशिक रूप से दृष्टिहीन बच्चे होते हैं वो इस प्रकार उस शीशे के द्वारा किसी भी शब्दों को, कोई छोटे शब्द होते हैं उनको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे तब हम यूज़ करते थे, हमें साइंस लैब में दिखाया जाता था, उस शीशे को हम पकड़ के हाथ में उसको देखते थे कि छोटे अक्षरों से उसको क्या है, बड़े अक्षर के रूप में देखा जा सकता है। जो अक्षर छोटे होंगे वो उनको क्या दिखाएगा, बिग अक्षर, बड़े बड़े अक्षर, वर्ड दिखाता है उनको, ठीक है बेटा। और क्या है आपका, एक है क्लोज्ड सर्किट टीवी। इसमें क्या होता है कि जो आंशिक रूप से बाधित थोड़े दृष्टिहीन बच्चे होते हैं, इन बच्चों के लिए क्लोज सर्किट टेलीविज़न क्या है, एक प्रयोग किया जाता है। ये वहाँ पर पश्चिमी देशों में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, कैमरे के द्वारा पुस्तक के पृष्ठ पर जो चित्र खींचकर क्या करते हैं, उसे टेलीविज़न की स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रिंट के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है, छोटा बड़ा उसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इनका करिकुलम है वो भी क्या होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, बहुत ऐसा नहीं हो कि बच्चों को समझ में ना आए। तो इस तरह से करिकुलम होना चाहिए कि ये बच्चे जो टीचर्स हैं इनको सही मेथड के द्वारा समझा सकें और जो भी यंत्रों का प्रयोग करना है उसके द्वारा जो बच्चे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन यंत्रों का प्रयोग इनको देना चाहिए, करवाना चाहिए। और जो दृष्टिहीन असमर्थी बच्चों को जो पाठ्यक्रम है वो सही ढंग का होना चाहिए ताकि इनको पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और अध्यापक को, टीचर को चाहिए कि वो इनकी हेल्प करें और इनके साथ अच्छा बिहेवियर करें और इनके साथ जो अनुभव हैं वो, और मतलब बच्चों के साथ भी शेयर करें और जो दिक्कतें आती हैं उसको, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें और इनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अगर हम कहेंगे कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, इनको मोटिवेट करना, इनके अंदर पॉजिटिव भावना को पैदा करना ताकि ये बच्चे क्या हैं, अपने आप को हीन महसूस ना करें। और कमरे में अपनी जो चीज़ों हैं उसकी देखभाल इनको खुद करनी चाहिए, इनको सिखाना चाहिए कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे अपने आप को क्या करना है, दूसरों के साथ
हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे गेन करनी है, तो ये सब चीज़ें भी पढ़ाई के साथ साथ इनको सिखानी चाहिए, ठीक है। और अंधे बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम नॉर्मल बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, हमारे स्कूल टीचर्स भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं और सोसाइटी के लोग भी, तो सभी को इनके साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। और सभी मोस्टली स्कूल में टीचर्स होते हैं जो उनको चाहिए कि वह क्लास में सही रूप से शाब्दिक रूप से इनको पढ़ाएं, ठीक है, और न कि अशाब्दिक संकेतों के द्वारा। शाब्दिक होता है जो आप मुंह से बताकर इनको बता सकते हैं, ठीक है, संकेतों के द्वारा इनको नहीं इतना बताया जा सकता, तो टीचर को इनके अकॉर्डिंग स्टडी को करवाना चाहिए ताकि ये बच्चे दूसरे बच्चों से पीछे ना रह जाएं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट था, ये भी अच्छा टॉपिक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो इसलिए ये वाला टॉपिक अब यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते जुलते हैं पॉइंट्स इसमें, तो सभी बच्चे एक बार जिनको नहीं समझ में आया है वो दोबारा भी वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।